सिलसिला जीओसी का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लास्ट टाइम हमने बहुत एक खूबसूरत टॉपिक किया जिसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट और उसके कारण जो एप्लीकेशंस आई वो हमने डिस्कस की। याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था आयन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, बेसिक नेचर किसका ज्यादा है, ये हमने जज किया था। नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करा पाया वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसा नहीं है कि एसिडिक नेचर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट हैं वो हम करेंगे, राइट? तो आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एक एसिड स्ट्रॉन्ग बता रहा था, किसी और की वजह से उसी को वीक बता रहा है। तो इन सब उलझनों से बचने के लिए अंत में एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम एसिडिक और बेसिक नेचर या स्ट्रेंथ की बात बिल्कुल पक्के तरीके से कर लेंगे। आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है रेजोनेंस। क्या होती है रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और अगले वीडियो में बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी की। बहुत सवाल पूछे जाते हैं रेजोनेंस से रिलेटेड जेई में, नीट में, एम्स में, हर तरीके के कंपिटेटिव एग्जाम में। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, या सर ये कैसे बन रहा है, कैसे चार्ज इधर से उधर जा रहा है, ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। अगर आप ये लेक्चर देख लें, सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर विद इन अ कंपाउंड। मेरे पास एक कंपाउंड होगा, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, कई बच्चों को पाई इलेक्ट्रॉन भी पता नहीं होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? जब भी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मान लो, इन शॉर्ट सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड पाई, इसे मान लो। हालांकि डिफरेंस है और भी, बट फिलहाल के लिए मान लेंगे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो उसे पाई बॉन्ड बोल रहा हूं। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ना लूजली हेल्ड होते हैं, और लोन पेयर अगर किसी एटम पे है वो भी बहुत लूज इलेक्ट्रॉन है, वो हरकतें कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसी शिफ्टिंग के कारण कंपाउंड में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से समझो मैं स्ट्रक्चर बना कैसे रहा हूं। मेहनत करने के बाद एक शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको और उससे सारे सवाल हो भी जाएंगे, बट समझो बन कैसे रहा है। ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और एक नेगेटिव चार्ज इस पे पड़ा है। पहले बच्चे समझो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है। नेगेटिव चार्ज को मैं रिप्लेस कर लूंगा, इसके ऊपर ये दो गोले बना रहा हूं, दो गोले मतलब दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं H2O को तोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ऐसा क्यों मिलता था? ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये इलेक्ट्रॉन इसका था। जब टूटे OH नेगेटिव कैसे बना? ये सारे कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, एक तो खुद का था इसका और एक इसने इसका भी छीन लिया, तो एक नेगेटिव चार्ज आया। यानी नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी इसी के हो गए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये जो बेचारा इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो भी OH ने ले लिया। तो याद रखेंगे, नेगेटिव चार्ज जहां है मैं चुपचाप वहां पर दो इलेक्ट्रॉन बना लूंगा, एक तो इसका खुद का है, एक इसने कहीं से लिया है। अब होगा क्या? यहां पर भी ये पाई बॉन्ड कैसे बना? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। मेरा ये पाई बॉन्ड लूज है, ये इलेक्ट्रॉन लूज है, हरकतें कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो देखना हुआ क्या, ये उछल के यहां आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये पूरा बॉन्ड उछल के इधर आया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, इसने इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। साथ ही साथ ये वाले लूज इलेक्ट्रॉन भी उछल के इधर आ गए, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, एक इसने यहां दे दिया, तो हुआ क्या? CH2 माइनस बॉन्ड यहां से इधर चला गया तो सिंगल बॉन्ड CH, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, एक इसको मिला, एक इसका खुद का था, एक इसने इसे दिया, तो यहां भी क्या बन गया? डबल बॉन्ड, और ये CH2 नेगेटिव चार्ज इसका खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चे? जब ये
लूज इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के यहां गए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, साथ ही साथ ये भी इधर आया तो ये इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया, इसका पॉजिटिव चार्ज साथ के साथ खत्म हो गया। तो मुझे क्या मिल गया? एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां नेगेटिव साइन है, वहां ऐसे दो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या है? ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल लें, चलो मान लो ये मेरे पास एक कंपाउंड है, बोल रहा है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। लूज बॉन्ड ये उछल के इधर आया, ध्यान से समझो। लूज बॉन्ड था, पाई बॉन्ड लूज है, दोनों इलेक्ट्रॉन उछल के इधर आए। एक तो इसके पास पहले से था, ये वाला तो अभी भी इसके पास, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं तो ये वाला अभी भी इसके पास है, और एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हुआ, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ तो इसे एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया। ये बात बन गई। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्यों बन रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर? रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज है, कंपाउंड में इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये दोनों मेरे पास सेम कंपाउंड के दो स्ट्रक्चर बने, नाम क्या दिया? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इनका ना एक और मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसे मैं बोलता हूं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, CH2 CH CH2। देखो ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता था, ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता था, तो मैं इसे डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा कि ये डबल बॉन्ड घूम रहा है, इधर भी आ 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 रहा है। नेगेटिव चार्ज यहां भी आया, यहां भी आया, यानी नेगेटिव चार्ज भी ट्रेवल कर रहा है, यानी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इधर भी, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इधर भी। इसे मैं बोलूंगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। सिमिलरली ये ट्राई करो, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहां भी थोड़ी देर के लिए आया, यहां भी थोड़ी देर के लिए आया, प्लस चार्ज यहां भी थोड़ी देर के लिए आया और यहां भी थोड़ी देर के लिए आया। सर इस रेजोनेंस का फायदा क्या हो रहा है? स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फायदा क्या है? मैकेनिज्म में फायदा होगा, कोई भी रिएक्शन क्यों हो रहा है? अगर मैं यहां पर सीएल नेगेटिव भेजूं, अगर मैं यहां पर सीएल नेगेटिव भेजूं तो आप क्या करोगे? सर सीएल नेगेटिव यहां गया, इससे जुड़ गया सीएच टू सीएल, नहीं, वो यहां भी जुड़ सकता है, यहां नहीं जुड़ सकता। क्यों? थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के पास है, सीएल यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, मैकेनिज्म है। इसमें मैंने HCl डाला, सीएल नेगेटिव जरूरी नहीं है यहां आएगा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। सिमिलरली एच पॉजिटिव इधर भी जुड़ सकता था, इधर भी जुड़ सकता था, मैकेनिज्म। जो रिएक्शन आप रटते हो वो समझ आ जाएंगे हुआ क्या, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आराम से बता दोगे कि पॉजिटिव इधर लगेगा या इधर, नेगेटिव सीएल नेगेटिव यहां लगेगा या यहां लगेगा, बीच में कभी नहीं लग सकता, इस पे कभी पॉजिटिव चार्ज बन ही नहीं रहा रेजोनेंस के दौरान, ठीक है? तो पहली चीज स्टार मार्क करके लिखेंगे। चलो एक और एग्जांपल कर लें, कार्बोनेट का, कार्बोनेट आयन पता है क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव, यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है बच्चे। ट्राई करो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकते हैं, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकते हैं। मैंने क्या बोला था? नेगेटिव के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन बना लिया करो। सर पाई इलेक्ट्रॉन लूज है, ये उछल के इधर गया, ये उछल के इधर आया, ये उछल के इधर गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां बन गया डबल बॉन्ड, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। सर एक और चीज हो सकती है, एक और चीज हो सकती है, ये उछल के यहां जाए, ये नेगेटिव यहां जाए, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता हूं, ये नेगेटिव उछल के यहां गया तो डबल बॉन्ड बन गया, ये उछल के इधर आया तो ये नेगेटिव बन गया। है सारे CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ये इसके रेजोनेंस
स्ट्रक्चर्स बन गए, समझो समझो, इससे अच्छी तरह आप नहीं समझ सकते। पॉजिटिव के केस में भी बताया, नेगेटिव के केस में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन कैसे रहे, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। चलो डबल बॉन्ड कहां कहां है सर? तीनों जगह लगा है, तो ये थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर तीनों में आएगा। नेगेटिव चार्ज यहां भी आया, यहां भी आया, यहां भी आया, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर भी है। तो इस तरीके से बन रहा है मेरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स का। डरो मत, डरो मत, अभी तो हम पूरे अच्छे से एक घंटे तक यही करने वाले हैं। तो सर पहली चीज ध्यान से देखना, पहली चीज क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने में क्या हर एक कंपाउंड में चार्ज सेम रह रहे? देखते हैं सर, यहां भी शुरुआत में एक नेगेटिव था, यहां भी शुरुआत में एक नेगेटिव है, अंत में भी यहां वन पॉजिटिव था, तो अगले स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव चार्ज है। यहां दो पे नेगेटिव था, तो अगले पे भी दो पे नेगेटिव है, अगले में भी दो नेगेटिव है, यानी चार्ज, टोटल चार्ज डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रेजोनेंस। टोटल चार्ज मेरा रेजोनेंस के दौरान कभी नहीं बदलता, पहली चीज। और जो दूसरी चीज बनाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, वो सुनते ही आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आसमान फट पड़ेगा। सर ऐसी क्या बात है, ये सब हाइपोथेटिकल है। दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल सीईपीटी कॉन्सेप्ट है ये। सर पढ़ क्यों रहे? अच्छा देखा ना, क्या देखा गया, रिएक्शन जब हो रहे हैं, मैंने देखा यार ये सीएल नेगेटिव यहीं नहीं जुड़ रहा, कई केसेस में यहां भी जुड़ जा रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक हाइपोथेसिस डाली है कि ऐसा हो सकता है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। ये सारे स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल हैं, हाइपोथेटिकल असल में ऐसा नहीं हो रहा, हाइपोथेसिस दिया, क्या पता हो रहा हो, देख नहीं सके अभी तक, हमने ऑब्जर्व नहीं किया। तो ये सारा कंसेप्ट क्या है, हाइपोथेटिकल है। क्यों आया? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए कर दिया। एक एग्जांपल मैंने क्लास में आपको दिया था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, हम बोल रहे थे अर्थ रोटेट कर रही है, मोल्टन लावा रोटेट कर रहा है, कुछ आयंस है घूम रहे हैं, तो करंट कैरिंग लूप बन रहा है। जब भी करंट कैरिंग लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। वो भी मैंने क्या बोला था, अभी पक्का नहीं है, वो तो सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई है। उसी तरह ये स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है पूरी तरह, फिलहाल कोई पक्की ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाई है इनमें। चल मिटा दे। अब कंडीशन है क्या सर, हर कुछ रेजोनेंस शो करेंगे सारे कंपाउंड, या कुछ कंडीशन होती है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस कंडीशन को बोला जाता है कॉन्जुगेशन। क्या है ये कॉन्जुगेशन? तीन चार तरह की कॉन्जुगेशन है, इनफैक्ट पांच तरह की कॉन्जुगेशन है। पहली कॉन्जुगेशन क्या है, बोल रहा है किसी भी कंपाउंड में एक के बाद एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे हमने ये किया था CH2 पॉजिटिव, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, कंपाउंड जिनमें एक के बाद एक पाई सिग्मा पॉजिटिव आ गया वो रेजोनेंस शो करेंगे। और क्या कंडीशन है, दो, पाई सिग्मा और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आ जाए वो कंपाउंड भी कॉन्जुगेशन शो करेंगे, सॉरी रेजोनेंस शो करेंगे। ये भी एग्जांपल कर लिया, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर आ जाए। थर्ड सर, पाई सिग्मा, मेरे पास पाई आ जाए, सिग्मा आ जाए, और एक चीज आती है जिसे बोलते हैं फ्री रेडिकल।
ये क्या है समझेंगे, फ्री रेडिकल आ जाए, ये क्या है दिक्कत की बात नहीं है, समझेंगे। और एक और मेरे पास पाई सिग्मा पाई बॉन्ड आ जाए तो भी मेरी कॉन्जुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी और वो कंपाउंड रेजोनेंस करना शुरू करेगा, यानी उसका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। बात कर ली हाइपोथेटिकल है, हम सिर्फ ये बता पा रहे हैं, एक थ्योरी आगे दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता होगा, तभी ऐसी प्रॉपर्टी ये कंपाउंड शो कर रहा है, पूरी तरह ऑब्जर्व अभी तक नहीं हो पाई है। चलो बारी बारी सब में है, चलो सबसे पहला केस करते हैं पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज का। पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज का सर अभी किया, चलो उस एग्जांपल को देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, बोल रहा है क्या ये रेजोनेंस शो करेगा, देखा एक के बाद पाई सिग्मा प्लस, हां करेगा। कैसे करेगा हम देख चुके हैं, कंडीशन क्या होगा बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके इधर जंप करेंगे, फ्री है जंप कर सकते हैं, उससे होगा क्या, इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी है, अगर ये बॉन्ड यहां भी लगा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बट ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, और इससे ये इलेक्ट्रॉन गया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या बन जाएगा CH2 CH CH2। बीच वाले को फर्क नहीं पड़ा, पहले इसके इधर दो बॉन्ड थे, इधर एक था, अब इधर एक बॉन्ड है, इधर दो, बीच वाले पे फर्क नहीं पड़ा, तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। किसी ने बोला हाइब्रिड बनाओ, बच्चे हाइब्रिड बना के दिखाओ, तो क्या करोगे CH2 CH CH2, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों में जा रहा है और प्लस थोड़ा थोड़ा चार्ज भी दोनों में शिफ्ट हो रहा है। बात समझ में आई सर, कुछ शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल है यार, 1 2 3, 1 की चीज 3 में कर दो, 1 2 के बीच का बॉन्ड C में 3 में लगा दो और 3 का चार्ज 1 में लगा दो, प्लस उठ के 3 उठ के 1 में आ गया, 3 उठ के 1 में आ गया और यहां का बॉन्ड उठ के अगले में चला गया। 1 2 3 कंसेप्ट है, क्या है 1 2 3, एक आप खुद करेंगे, ट्राई करो, कंपाउंड में बना रहा हूं। रिंग आई रिंग रिंग सर हमारी फेवरेट है, रिंग हमारी रिंग फेवरेट है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, पहले सोच के बनाओ फिर 1 2 3 से मैच करो, पहले देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पाई सिग्मा प्लस बिल्कुल हो रही है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड उछल के यहां आएगा, ये बॉन्ड उछल के यहां आया, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ये वाला मिल गया, प्लस चार्ज गया, बॉन्ड आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन गया तो यहां प्लस आ गया, 1 2 3 3 आ गया 1 में, ये बॉन्ड आ गया इधर। बात समझ में आई, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कोई बता सके, देखते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बना, डबल बॉन्ड कहां का घूम रहा है, इधर और इधर, और प्लस चार्ज कहां कहां आ रहा है, इधर और इधर। अच्छा ये पोजीशन पता है ना आपको, अगर मैं इसे रेफरेंस लू, इसे बोलते हैं पैरा नहीं ऑर्थो मेटा पैरा, सॉरी ऑर्थो मेटा पैरा, इसके रेफरेंस में ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो अगर यहां पर मैं सीएल नेगेटिव को छोड़ देता कि जा सीएल नेगेटिव रिएक्शन कर, तो वो तो या यहां पर लगता या यहां पर लगता, तो यहां लगता या यहां लगता, यहां तो लग ही नहीं सकता था क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा भी कैरेक्टर नहीं आ रहा है, तो ये मैकेनिज्म सीख लेंगे बाद में क्या, बेसिक्स तो अभी तक आपके चल रहे हैं, राइट, रेजोनेंस सीख लो, बनाना बहुत काम आएगा। एक और करेंगे, चलो आपके लिए होमवर्क के लिए, पहले टाइप की कंजुगेशन के लिए एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई करेंगे, हाइब्रिड भी बनाएंगे और मुझे बताएंगे सर बना या नहीं बना। चलो या फिर आप पॉज करके ट्राई करो, मुझे बताना हुआ या नहीं, यस या नो लिख देंगे। इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, पहले कंडीशन देखो, पाई सिग्मा प्लस, चलो
अब मैं कुछ नहीं, मैं 1 2 3 से ही बना दूंगा, चुपचाप पढ़ेंगे, किसी को बताएंगे नहीं 1 2 3 का फंडा। सर वीडियो डालते हो पूरी दुनिया देख लेगी, कोई बात नहीं। चलो तो प्लस आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, और ये तो एज इट इज चल ही रहा है। सर एक और बार कंजुगेशन की कंडीशन आ रही है, पाई सिग्मा प्लस, तो अब क्या होगा? ये तो एज इट इज है, ये प्लस तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर। सर फिर से आ रही है पाई सिग्मा प्लस, अगर इसे करोगे तो फिर से आपको यही मिल जाएगा। तो इसके तीन ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2। यानी इसका अगर हाइब्रिड आप बनाओगे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड कहां कहां है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहां तक आ रहा है। प्लस चार्ज कहां जा रहा है? थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। अभी भी देखो, अगर सीएल नेगेटिव ने इस पर अटैक किया आप तो सोचोगे सर यही लग सकता है, नहीं, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है। ये है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ आ रही है बात? कंसेप्ट बन रहे हैं। चलो सेकंड टाइप की कॉन्जुगेशन पे आए। चलो देखते हैं हम सेकंड टाइप की कॉन्जुगेशन जो है पाई सिग्मा, बताओ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। इसे ध्यान से समझना बच्चे, सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले भी लिया था, CH2 नेगेटिव, पाई कौन सी कर रहे हैं? सेकंड केस, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ जाए, एक के बाद एक आना चाहिए। पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव को क्या बोला? दो इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लो, एक इसका खुद का एक मांगा हुआ है। होगा क्या? लूज थे बेचारे, यहां गए, ये उछल के यहां आया। कंसेप्ट लगा सकते हो 1 2 3, ये उधर चला जाएगा 1 का 3 में, और इनके बीच का बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये मिरर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। 1 2 3 वाला कंसेप्ट कभी नहीं टूटेगा, याद रखना। एक और करें, चलो अगर हम एग्जांपल ले NO3 2 नेगेटिव का, NO3 2 नेगेटिव 1 2 3 4, हाँ जी NO3 2 नेगेटिव। देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ये इधर, ये इधर, या फिर क्या कर सकते हो 1 2 3, क्या बन जाएगा इसका? माइनस इधर, डबल बॉन्ड इधर, ये माइनस तो चल ही रहा है, फिर से आ रहा है सर डबल, यानी पाई सिग्मा नेगेटिव, तो इसे 1 2 3 नाम दे दो। और कोई है? सर है पाई सिग्मा नेगेटिव, बट ये करोगे तो वापस आपको ये मिल जाएगा। तो इसके तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3। हाइब्रिड बनाए, नेगेटिव चार्ज तीनों पे घूम रहा, पहले यहां यहां था, फिर यहां यहां है, अब यहां यहां है, तो तीनों पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तीनों पे घूम रहा है, बिल्कुल, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया। चल आगे चले, ये तो सर थी पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। सर लोन पेयर आएगा तो क्या होगा? खास चीज है, ध्यान से देखो, लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, बहुत खास चीज है, प्लस वन प्लस टू निकल जाती है बच्चों को, लोन पेयर वाले कंजुगेशन बनाना नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल है CH2 CH, लोन पेयर एक नाइट्रोजन भी कर लेगा, इसमें मैं इसे NH2 लिखूं। अब बच्चे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, ह ही ली बी ब क न, 7, यानी 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं एंड में इसके पास, 1 2 3, ये तो बॉन्ड बन गया, तो यानी इसके पास एक लोन पेयर है, इसे बोलते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन की 5 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, 3 तो बन गए 2 हाइड्रोजन के साथ, एक ये बॉन्ड, तो लोन पेयर है। मैंने बोला लोन पेयर भी लूज होते हैं, तो क्या करेगा? लोन पेयर उछल के यहां आएगा, ये उछल के यहां चले जाएगा, ध्यान से समझना।
ध्यान से समझना फिर से, लोन पेयर भी लूज इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर भी उछल के इधर आएगा और ये पूरा लिख लो, ये था एनएच टू नेगेटिव आ रहा है मेरे ख्याल से, एक सेकेंड नहीं एनएच टू ये इतना ही ना, तो लोन पेयर इसके पास था, फ्री बैठा है यहां उछलेगा, डबल बॉन्ड यहां उछलेगा, ध्यान से समझना, जब ये इधर आएगा इसे तो मैं लिख लेता हूं CH2, ये बॉन्ड पूरा इधर आया तो ये इसका इलेक्ट्रॉन था, ये इसका था, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ये तो नेगेटिव हो गया, यहां डबल बॉन्ड आया, यहां NH2, यहां क्या मैं पॉजिटिव बनाऊं कि सर इसके इलेक्ट्रॉन गायब हुए पॉजिटिव, अरे इसके खुद के इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन बेचारे ने दे दिए, कितना, जब ये बॉन्ड यहां बना दो इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर, जब ये बॉन्ड बना एक अभी भी इसके पास है, एक बेचारे ने इसे दे दिया, तो इसमें क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, समझो लोन पेयर के कंजुगेशन, लोन पेयर उछल के यहां आया बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है, एक इसने इसे दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ये उछल के यहां आया दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, एक तो इसका खुद का था एक एक्स्ट्रा आया तो नेगेटिव चार्ज, हमने कंडीशन बताई है, क्या बताई है, हमने कंडीशन बताई है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दौरान टोटल चार्ज फिक्स रहेगा, यहां टोटल चार्ज क्या था जीरो, यहां भी टोटल चार्ज क्या है प्लस माइनस जीरो, तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर वन, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर टू, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई या नहीं, चलो आई होप चीजें समझ में आई होंगी, अब देखना यार कई बच्चे ना यार रेजोनेंस और टॉटोमिज्म बिज़िज़्म रेजोनेंस और टॉटोमरिज्म को मिक्स मत करना सर आपको टॉटोमरिज्म नहीं बोलने आता चलो फर्क क्या है यार ध्यान से देखो फर्क तो टॉटोमरिज्म और रेजोनेंस में ना बच्चे कंफ्यूज करते कितना बड़ा फर्क है देखो अगर मेरे पास है सी एच टू टॉटोमरिज्म में क्या होता है ये इधर चला गया ये हो जाएगा सी एच ये ओ एच ये एच ऐसा बन जाएगा होगा या नहीं यार टॉटोमेरिज्म जिसको नहीं आता थोड़ा वेट करो आइसोमेरिज्म में पूरा लेक्चर आएगा 8-10 लेक्चर लगेंगे एक एक घंटे के तो इसमें क्या हुआ ध्यान से देखना एटम ही शिफ्ट हो रहा है ये एच यहां उठ के आ गया बट कहीं भी रेजोनेंस में एटम कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है एटम्स की रिलेटिव पोजिशन फिक्स रह रही है बॉन्ड इधर उधर हो रहे हैं लोन पेयर इधर उधर हो रहा है चार्ज इधर उधर हो रहा है एटम फिक्स है फिर डिफरेंस है टॉटोमरिज्म और रेजोनेंस में इसे प्लीज कंफ्यूज नहीं करेंगे मिक्स नहीं करेंगे चले आगे तीसरी तरीके की कंजुगेशन पे आते हैं टोटल ना पांच तरीके से कंजुगेशन बन सकती है हम चार डिस्कस करेंगे एक बहुत खास है उसे हम जीओसी के एंड में डिस्कस करेंगे तो जीओसी के एंड में क्या रहेगी चीजें डिस्कस करने के लिए एक तो एसिडिक नेचर का फाइनल फंडा और आखिरी टाइप की कंजुगेशन मेरी तीसरी कंजुगेशन क्या है मैंने आपको बोला था पाई सिग्मा हो और फ्री रेडिकल हो इसे बोलते हैं इस डॉट को फ्री रेडिकल इसकी कंजुगेशन भी समझने की कोशिश करना पहले बोलो फ्री रेडिकल क्या है या मेरे पास दो अगर एटम्स है मिलके एक चीज बनाई है अगर ये टूटे तो क्या होगा एक पॉजिटिव बन जाएगा एक नेगेटिव बन जाएगा ऐसा ही होता है नेगेटिव बना मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए ये पॉजिटिव बना मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया मगर मान लो और इलेक्ट्रॉन जाता किसके पास है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था अगर मैं HCl की बात करूं कैसे टूटता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्यों टूटा पहले बॉन्ड बनाया था ये टूटा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आए एक तो खुद का था एक एक्स्ट्रा आ गया तो Cl नेगेटिव बन गया ये H पॉजिटिव बना ऐसा क्यों हुआ Cl इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था नेगेटिव अपने साथ ले गया इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया बट अगर दोनों एटम्स एक जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हो और ये जब टूटे तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन ही तो लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है तो कोई ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो ये क्या बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स वीडियो बंद हो गई थी फिर से देखते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जब टूट रहे हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नेगेटिव का मतलब था मोर
ले गया, एक इसका खुद का था और एक इसने ये भी ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव। बट अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं बोलूं सीएल टू, जब ये टूटेंगे तो ये बनाएंगे सीएल डॉट प्लस सीएल डॉट। इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई डिफरेंस था नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब इनकी कंजुगेशन देखो कैसे होगी, बहुत अच्छा तरीका है, आसान भी है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, समझो। तीसरी टाइप की कंजुगेशन चल रही है हमारी। पहला एग्जांपल देखते हैं, अगर CH2 फ्री रेडिकल है, होगा क्या? ध्यान से समझो क्या होगा सर, देखते हैं क्या होगा, फिर बात समझो। ये डबल बॉन्ड CC के बीच में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सेम ही एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अगर ये यहां जंप करा, जंप क्या करना है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। बात समझ में आई, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये बात यहां भी वही चल रही है, 1 2 3 वाली चीज 1 पे, इनके बीच का बॉन्ड इधर। तो इस तरीके से होगी फ्री रेडिकल की रेजोनेंस। बात समझ में आई, बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी फिलहाल जो हम समझ रहे हैं, रेजोनेंस। फोर्थ और आखिरी कॉन्जुगेशन मैंने बताई थी पाई सिग्मा पाई के बीच में, टाइम लिया तो आखिरी कॉन्जुगेशन, आखिरी रेजोनेंस भी यही कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ पाई सिग्मा पाई, यानी डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल हो गया, सिंगल हो गया, बात समझ में आई, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस शो करेगा, बिल्कुल कंजुगेशन है, कौन सी, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है। सर होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से देखना, स्टार मार्क करके लिखना, स्पेशल कंजुगेशन है, बोल रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल टेक द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, मतलब होगा क्या, CH O नेगेटिव, यहां का इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या बन गया, प्लस, बाकी सारी सी सेम CH2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए, एक तो इसका खुद का था, इसका भी ले गया, तो इसके आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद काम सिंपल है, क्यों, अब ये कौन सा केस आ गया, पाई सिग्मा प्लस वाला, पाई सिग्मा प्लस वाला, तो अब क्या करोगे, 1 2 3 अब सर यहां भी 1 2 3 है, बट फिर से मेरे पास ये आ जाएगा, तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए। बात समझ में आई, तो पाई सिग्मा पाई वाला एक स्पेशल केस है, इसमें होगा क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पहले दोनों ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, एक खुद का, एक इसका नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, बाद में ये पाई सिग्मा प्लस वाला कंजुगेशन लगाते जाओ, काम बनता जाएगा। अब समझ में आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो एग्जाम्पल करेंगे एक, चलो आज के लिए काफी है, वैसे आज के लिए काफी है। तो आज हमने सीखा क्या, हमने कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीखा बहुत आसानी से। स्पेशल केस भी, स्पेशल केस क्या, ये वाला एक स्पेशल केस था और एक फ्री रेडिकल वाला स्पेशल केस था। इसके अलावा कोई कंजुगेशन है, हाँ सर एक और है, सिर्फ एक और कंजुगेशन है जो रेयरली पूछी जाती है, सारी कंजुगेशन, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आपको फिंगर टिप्स का काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल कर लो, चलो मैं एक कंपाउंड बनाता हूं,
रिलेशन आप बना सकते हो या नहीं। पहले केस देखेंगे कौन सा बन रहा है, केस एक बार पता लग गया फिर तो क्या ही दिक्कत है। वीडियोस को बार बार सुनते जाओ, बार बार चीजें बनाते जाओ, यू विल गेट टू दैट पॉइंट।